बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अफशांस किचन में बना रहे हैं बीफ़ बर्गर। बर्गर बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो, मैंने यहाँ पे लिया है कीमा, गाय का कीमा है ये। और इसके अंदर हम डालेंगे एक टेबलस्पून केचप, एक टेबलस्पून हॉट सॉस, चिली सॉस आप कोई भी ले सकते हैं, वोस्टरशायर सॉस है ये एक टेबलस्पून, और एक टेबलस्पून इसके अंदर कच्चा पपीता जाएगा पिसा हुआ, और एक टेबलस्पून इसमें दही जाएगा। और यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है जिसको मैंने बहुत फाइनली चॉप कर लिया है, और ये 4 टेबलस्पून है इसके अंदर ब्रेड क्रम्ब। इसके अंदर कुछ मसाले जाएंगे वो मैं बता देती हूँ। अदरक का पाउडर है 1 टीस्पून, लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून, और पेपरिका पाउडर है 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक है, और 1 टीस्पून ही काली मिर्च है पिसी हुई। तो ये सारी चीज़ें हम अपने ये गाय के कीमे में डाल के और इसके हम बनाएंगे बीफ पैटी। जी, इसके कीमे के अंदर ही हम डाल देंगे चॉप प्याज जो हमने चॉप की भी रखी थी, ब्रेड क्रम्ब भी डाल देंगे, ये दही है 1 टेबलस्पून, कच्चा पपीता, ये सॉस है वोस्टरशायर सॉस, और ये हॉट सॉस है, और ये केचप है, और ये मसाले जो मैंने आपको बताए थे ये सारे इसमें जाएंगे। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने हम जब भी फ्राई करेंगे बर्गर बनाएंगे ये उसके लिए मैंने पैटी बना दिया है। इसी तरह से हम जितना भी कीमा है उसके पैटी बना लेंगे। ये देखिए, मैंने बर्गर पैटी बना लिए हैं, जितने मुझे ज़रूरत थी उतने मैंने बना लिए, और बाकी मैंने फ्रीज़ कर दिए हैं। और आप इनका साइज़ देख सकते हैं कि थोड़ा सा ये थिक है, थोड़े मैंने बड़े साइज़ के बनाए हैं क्योंकि थोड़े जूसी होने चाहिए बर्गर वगैरह, इसलिए। चले अब हम इसको फ्राई करते हैं। ये मैंने एक पैन ले लिया है और इसको तेज़ आंच के ऊपर हमने रखना है ताकि जो गोश्त है बीफ है वो पानी ना छोड़े, और हमने इसके अंदर ऑयल डाल देना है। ये देखिए, ऑयल गर्म हो चुका है अच्छी तरह से। अब हम इसके अंदर अपने बीफ पैटीज डाल देंगे। ये देखिए, अब थोड़ा इसको पलट देते हैं हम लोग। इसके ऊपर कलर भी आ गया है और ये काफी गले हुए पैटी हैं, ये देख रहे होंगे आप सॉफ्ट। हमने इसी तरह से इसको तेज़ आंच के ऊपर ही फ्राई करना है ताकि नीचे से भी कलर आ जाए, अच्छी तरह पक जाए। ये देखिए, ये हमारे बीफ पैटी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट बने हुए हैं। आप देख सकते होंगे ये थोड़ा सा ये टूट भी रहे हैं इसलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। आप जब इंशाल्लाह बनाएंगे अपने घर में तो आपको मज़ा आ जाएगा कि बहुत अच्छे इंशाल्लाह ताला बनेंगे। और अब हम शुरू करते हैं अपने बर्गर की असेंबली। सबसे पहले हम लगाएंगे ये सॉस बर्गर के ऊपर, और इस सॉस की रेसिपी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से ज़रूर इसको ट्राई करें। ये सबसे पहले हम इसके ऊपर सॉस लगाएंगे, बर्गर सॉस, और उसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे कैबेज, टमाटोज रख देंगे, और फिर हम अपनी पैटी इसके ऊपर रखेंगे।
फिर हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ रखेंगे और साथ ही थोड़ा सा हम इसके ऊपर सॉस लगाएंगे। और अनियन रिंग्स रख के हम इसको असेंबल कर देंगे। ये देखिए, ये बीफ बर्गर बिल्कुल रेडी है। इसी तरह हम सारे बना लेंगे। ये बर्गर बिल्कुल रेडी है और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घरों में। और आप अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी लेके मैं आपके पास दोबारा हाज़िर होती हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।